Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. बच्चे जो तो पिछले दो साल से तैयारी कर रहे हैं दो साल उससे ज्यादा से जिनको हो गया है इस फील्ड में तो उनको तो ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है एच रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसे कहा जाता है और उसके साथ में एक कमेंट्री भी आती है कमेंट्स आते हैं विच इज कॉल्ड एच डी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना रिपोर्ट का सब पार्ट है रिपोर्ट के अंदर इंडेक्स भी होता है राइट तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा यू के थ्रू जो आती है राइट जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वेन एवर वी टॉक अबाउट कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट हुई है या नहीं तो उसके अंदर सिर्फ अगर हम ये देखें कि, कि कितना पैसा कमाया जा रहा है पर कैपिटा इनकम कितनी है है ना दैट इज नॉट अ गुड मेजर इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती हो सकता है एक बंदे का उसे पैसा बहुत आ रहा हो लेकिन आ, एजुकेशन है ही नहीं उसको साइन करने नहीं आते हैं अपने अभी भी, भी अंगूठा लगाया जाता है राइट तो हम नहीं कह सकते हैं कि यार वो डेवलप्ड हो गया है ना कि डेवलपमेंट हुई है कुछ हद तक राइट तो उसी सिनेरियो के अंदर देर इज दिस रिपोर्ट जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग अलग आयाम में नापता है नॉट ओनली एजुकेशन नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम बट इसके पास में तीन एक अलग अलग क्राइटेरियाज है वहां पे, राइट वो हम देखते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये है क्या चीज राइट जो जो आपके pre point of view से है है है। बच्चे, that is this particular thing, कि किसने ये ये कौन कौन वो देता तो इसको नहीं पूछेगा जैसे मैंने बताया कि वो मैंने दो साल वाला जो क्राइटेरिया बताया था ये इतनी दफा आ जाती है नजरों के सामने आप इतनी बार इसको कोट करते हो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कि ये एक, एक बाद, एक समय बाद में अन हो जाता है राइट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम राइट आप इसको नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता ये यूएनडीपी ये पब्लिश करते है रिसेंटली रिलीज इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस इन की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वेलबींग इन की डायमेंशन राइट इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो ये बेसिकली ना ये जो रिपोर्ट है ये स्टैटिक का पार्ट ही हो गया कि ये कैलकुलेट कैसे होती है राइट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस एच डी आर ओ ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ी सी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि जस्ट इन केस घुमा के पूछा जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं कि यू एनडीपी के अंडर भी एग्जैक्टली exactly कौन सा ऑफिस है तो दिस इज द आंसर ना ये क्या है थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं इसको इट इज अ अम्पोजिट मेजर मतलब कॉम्पोजिट का मतलब एक से ज्यादा फैक्टर मिला के एक पर्टिकुलर रिपोर्ट दी जा रही है तो उस हिसाब से आती है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज कैसी आपके उसमें न्यूट्रिशन लेवल ये वो आपकी कंट्री में क्या चल रहा तो है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली आपको एंगल कवर कर देती है राइट सेकंड इज एजुकेशन जिसके अंदर दो चीजें मेजर्ड बाय मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन राइट एजुकेशन आपका होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताना कि आपके विचार कैसे आएंगे एजुकेटेड हो तो आप ज्ञान है बेसिकली राइट right? तो आपके थॉट्स वैसे होंगे तो हेंस एजुकेशन ये वोवल एंगल कवर करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को कवर करती है इस चीज को राइट नंबर थर्ड इज योर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल बेस्ड ऑन पीपीपी है ना ये आपका पैसे वाली चीज होगी राइट ये तीन चीजें अगर हो तुम तो कह सकते हैं कि ये जो एक ह्यूमन है वो डेवलप्ड है अब अगर ये तीन चीजें आपके पास में है राइट एच डी आई रेंजेस फ्रम जीरो टू वन अभी क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे हायर वैल्यूज इंडिकेट बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स ये बच्चे इंपॉर्टेंट है कि कईयों में ना उल्टा होता है कि जीरो का मतलब हाई होता है जहां पर डिस्पैरिटी वगैरह होता है ना तो वहां पे जनरली ऐसा होता है वन का मतलब फुल होता है जीरो का मतलब नील होता है तो यहाँ पे ऐसा है अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन और ये जो मैं आपको इसके अलावा चीज़ें बता रहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए ये सारी चीजें जो है ना ये सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना ये पर्टिकुलर रिपोर्ट करती है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू है ना अगर मैं बोलूँ कि रेट योर हैप्पीनेस तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर कि यार मैं अगर हैप्पी हूँ तो वो कितना होगा अगर सबकी हैप्पीनेस एक साथ मेजर करनी है तो हम क्या नंबर देंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि सब्जेक्टिव है हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव

एग्जाम वगैरह में लिख रहे हो एच डी आई कोर्ट करते हो तो हमारे पास में ये भी लिखना हमारे लिए बहुत सही होगा कि हमें इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है एच डी आई रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करने से क्राइटेरियाज देख लो उनको इंप्रूव करना शुरू कर दो ऑटोमेटिकली एच डी आई में रैंक अच्छा आ जाएगा सब्जेक्टिव नहीं जाने की जरूरत है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में सिक्सटी सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट सेवन हो गई है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इज ट्वेल्व पॉइंट सिक्स ईयर मीन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज सिक्स पॉइंट फाइव सेवन ईयर्स राइट इसके अलावा इंडिया हैज प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग जेंडर क्वलिटी एंड नाउ रैंक्स 108 आउट ऑफ 166 सिक्सटी सिक्स राइट इसके अलावा जो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स वो भी कैलकुलेट करता है वो थ्री डायमेंशन को करता है कैलकुलेट बच्चे ये भी देख लीजिए आप साथ, -साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ एम्पावरमेंट एंड दी लेबर मार्केट लेबर मार्केट का मतलब है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन यहाँ पे राइट अदर ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चा यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग सी दो, -दो चीजें आई है की एक डेमोक्रेसी पेराडोक्स ये क्या बोलता है यहां पे पढ़ पर पढ़ लीजिए एक बार बता देता हूं डेमोक्रेसी पैराडॉक्स ट फॉर डेमोक्रेसी प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल रिमेन हाई बट ट्रस्ट इन दूशन इजिंग बहुत एक इंटरेस्टिंग टर्म है यह डेमोक्रेसी पैराडॉक्स कहा जाता है तो ये डेमोक्रेसी पैराडॉक्स को एच डी आई ने जो है यहां पर इंक्लूड भी कर दिया है हो सकता है डेमोक्रेसी पैराडॉक्स के ऊपर आपको यूपीएससी जो है वो पूछ ले डायरेक्टली कि वॉट इज डेमोक्रेसी पैराडॉक्स तो इस रिपोर्ट से जो है आपको क्लियर हो जाएगा एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024